तब मैं कहता हूँ आज के लखीमपुर वालों कह रहे हैं कि राहुल ने अपन ने हंसाया बहुत था, मिशन की बात बहुत बताई थी, लेकिन अंत में ये कविता भी सुनाई थी जिसमें हमारी आंखें नम हुई और महिलाएं खास तौर से सुने कि कदम हमारे थक चुके हैं साहेब तुम इतना यकीन कर लो। माता भाई बाबा साहब का हाथ पकड़ करके कहती है। और इस कविता में एक चीज को मैंने आपको बता दूं, यकीन कर लो, यकीन कर लो आपको बोलना है कि कदम हमारे भाई थक चुके हैं साहेब तुम इतना यकीन कर लो। मैं चार बच्चे गवा चुकी हूँ साहेब तुम इतना यकीन कर लो। मैं चार बच्चे गवा चुकी हूँ साहेब तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राजू रतन नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजरतन उनका बेटा था, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते थे कि दुनिया पर राज करेगा, लेकिन राजरतन की मृत्यु हो गई तो माता रमाबाई ने क्या कहा कि कदम हमारे थक चुके हैं साहेब तुम इतना यकीन कर लो। मैं चार बच्चे गवा चुकी हूँ साहेब तुम इतना यकीन कर लो। हमारा राजू रतन नहीं है इस जहां में यकीन कर लो। इससे बड़ा दर्द क्या होगा किसी माँ के लिए जिस बाप ने सपना देखा कि मेरा बेटा राज करेगा, तो बेटा हो ना हो। और हम लोग कह रहे हैं कि हमने बाबा साहब को, बाबा साहब के जन्म पर चले जाए तो 100 रुपये दिन में 4 बहाने मनाता है, डूब के मर जाना चाहिए। इनसे पूछो अमरनाथ भारती संगीत से और राहुल चौहान से कि इस प्रोग्राम को करने के लिए कितने दरों पर जाकर उन्होंने मत्था टेका होगा। इनके लिए धन्यवाद है कि हमारा राजू रतन नहीं है इस धरा पर यकीन कर लो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। और दो मिस्र साहब दो अंग्रेजी वालों सुन ले मेरे, बाबा साहब का जवाब सुन ले। बाबा साहब ने माता रमाबाई के सर पर हाथ फेरते हुए जो बात कही होगी उस समय मेरी कल्पना है, मैंने पढ़ा कहीं तो इसलिए मैंने लिख भी दिया। बाबा साहब कहते हैं कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम मुझ पर यकीन कर लो। क्या कह सकता है एक लाचार पति जो पूरे देश के आवाम की चिंता करता हो, जिसने 4-4 बच्चे खो दिए, वो क्या कहेगा पत्नी को समझाने के लिए कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम मुझ पर यकीन कर लो। हमारे बच्चों की ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। और हजारों राजू रतन खेलेंगे इसी धरा पर, यकीन कर लो। और ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। और बाबा साहब ने क्या कहा हुआ समय मेरी अपनी कल्पना है, सुने साहब अंतिम 4 पंक्तियाँ। मिशन हमारा बहुत बड़ा है, सच बोलता हूँ यकीन कर लो। मिशन हमारा बहुत बड़ा है, सच बोलता हूँ यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूँगा, सच बोलता हूँ यकीन कर लो। जानी चाहिए कि अगर 4-4 बार वो मुख्यमंत्री बनी तो बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानी की छाती के ऊपर यह सरकार बनी। तब पढ़ता हूँ मैं आपके लिए कि हजारों वर्षों की ये
हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन।